हाय दोस्तों, दिस इज़ माज। कंप्लीट स्टाइलिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि हम कोई भी भाषा को अप्लाई करके किसी भी भाषा में बात भी कर सकते हैं हम, एंड सेकेंड थिंग उस भाषा को हम समझ भी सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, जो भी हो, जो भी भाषा हो, उर्दू हो, तो उस भाषा को हम भी से मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एंड काफ़ी अच्छी तरीके से उसका हम उसी भाषा में रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि पहले के जो भी मेरे वीडियोस है, मैं चाहूँगा कि आप उसे देखिए। उसमें भी काफ़ी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया हूँ एंड उसको भी लाइक ज़रूर कीजिए एंड ये जो चैनल को है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड फर्स्ट ये अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसको एंड तक देखिए एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन तो आपके नीचे है लाल बटन में, उसे दबा के जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का, क्या है हम कैसे किसी से भी किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा जी बोर्ड द की गूगल कीबोर्ड। इसको आपको इंस्टॉल करना है, जी बोर्ड को इंस्टॉल करना है। 18.06 MB का ये एप्लीकेशन है, तो इसे आप इंस्टॉल कीजिए। रेटिंग देखिए 4.2 की रेटिंग है, बहुत ही अच्छा है। 500 मिलियंस प्लस डाउनलोड्स है, तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है ये गूगल की तरफ से। इंस्टॉलिंग हो रहा है, इसे इंस्टॉल होने दीजिए। एंड अब इसे ओपन कीजिए। आप ओपन करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स आएंगे। एनेबल इन सेटिंग पहले ऑप्शन आएगा, तो इसे एनेबल इन सेटिंग में आपको सेटिंग्स में इसको एनेबल करना है। अब यहाँ पे तो मेरा गूगल वॉइस टाइपिंग है, टच पाल फॉर ओप्पो है, तो मैं यहाँ पे ये गूगल जी बोर्ड का एनेबल कर दूँगा। इसे मैंने एनेबल कर दिया। सिलेक्ट इनपुट मेथड। अभी इनपुट मेथड में टच पाल जो भी आपका कीबोर्ड होगा जो आप यूज़ कर रहे हो उसे हटा के इंग्लिश में जी बोर्ड को अप्लाई कीजिए। अभी यहाँ पे डन हो गया। अभी आप बैग चाहिए, टोटली बैग चाहिए, चलो मैसेजेस में ही जाते हैं हम। ओके, तो मैसेजेस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर मेरा जो कीबोर्ड है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वहाँ पे अभी मैं हाई लिख देता हूँ तो हाई आ रहा है, लेकिन हमें अगर भाषा अलग अलग भाषाओं में बात करना है तो आपको जी का ये लोगो दिख रहा होगा गूगल का, तो उस पर क्लिक करना है। गूगल के लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गिफ्ट के बाजू में जो सेकंड ऑप्शन है ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेटर पे आपको क्लिक करना है। अभी हम देखेंगे, हम इंग्लिश में बात करेंगे और हम जो है चाहेंगे कि यहाँ पर जो लैंग्वेज हो वो चाइना हो, तो चलो ट्राई करते हैं। हाउ आर यू, हमने ये ट्राई किया और वहाँ पे चाइना में आ गया। अभी चलिए हम उसी चीज़ को कॉपी करते हैं, हमने इसे कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे चाइनीज़ डालेंगे, जो हमने अभी लिए थे वही हम चाइनीज़ करेंगे और यहाँ पे हम इंग्लिश करेंगे। तो अब यहाँ पे हम वही पेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो कि वही जवाब है, वही क्वेश्चन जो मैंने पूछा हुआ मुझे इंग्लिश में बता रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई सामने वाला चाइनीज़ में बात कर रहा है या कोई अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहा है, अरेबिक में, बैस्क्यू में, बंगाली में, और काफ़ी सारे लैंग्वेज है, फ्रेंच में, जर्मन में, हैतान में, इंग्लिश में, इटालियन में, कैनेडा में, तो वो मराठी में, आप देख सकते हो वहाँ पे मराठी भी है, तो जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज में आपको यहाँ से निकाल के यहाँ से कॉपी करना है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो यहाँ से कॉपी कीजिए, जी बोर्ड में जाइए, पेस्ट कीजिए, उसका मतलब समझिए। उसके बाद आप जो लिखोगे तो यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी में लिखिए कि हिंदी में लिखिए मैं घर पर हूँ पर हो, तो वो बखूबी अपना काम जानता है और
मैं जैसे ही मैंने टाइप किया मैं घर पर हूँ, वहाँ पर भी आया आई एम एट होम। सो इस तरीके से जो है आप आगे बढ़ सकते हो एंड डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया मतलब एप्लीकेशन है ये, तो आप इसे यूज़ कीजिए, इंस्टॉल कीजिए एंड आप अपनी जो लैंग्वेज है, अगर देखिए कोई कोई लोग होते हैं जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन उनके लिए भी ये बेस्ट ऐप है, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड किसी किसी के क्लाइंट्स होते हैं फ्रेंच कनाडा में कहीं पे, या जर्मन में, यूके में, तो वो अपने मतलब उनके भाषा में भी वो बात कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो सब्सक्राइब का जो है बटन नीचे ही है रेड कलर में, तो उसे प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी चाहूँ कि जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे भी लगेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो मैं ऐसे काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स के साथ ज़रूर आऊँगा जो आपको पता नहीं है, ठीक है। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।